हेलो फ्रेंड्स, विनोद दिस साइड फ्रॉम स्ट्रेट ड्राइव। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बहुत थैंक्स करता हूँ कि इस प्रोजेक्ट की हमने वीडियो एक साल पहले डाली थी, जिसे आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत क्वेरीज हमारे पास इस प्लॉट की आई। सो आज हमारी टीम इस प्रोजेक्ट में दोबारा आई थी। सो वी जस्ट वॉन्ट टू नो कि एग्जैक्ट क्या स्टेटस है, क्या चल रहा है, किस लेवल पर प्रोजेक्ट पहुँचा है। और आपको पता है कि हम जो प्रोजेक्ट देते हैं टेंटेटिव, वो पूरा वेरीफाइड प्रोजेक्ट होता है, क्योंकि वी आर रेरा अप्रूव्ड एजेंसी है हमारी, तो रेरा नंबर के हिसाब से हम प्रोजेक्ट भी वही लेते हैं जो कि जेन्युइन प्रोजेक्ट हो। तो आज हम जिस प्रोजेक्ट में लेके आए हैं, इस प्रोजेक्ट में एक बार हम लाइव देख लेते हैं कि क्या क्या है। सो दोस्तों, सबसे पहले प्रोजेक्ट जो मुझे है, हम एक डेढ़ साल बाद अपडेट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो काफ़ी रिहाइश हो गई है। मतलब जब मैं पहली बार किया था तो यहाँ पे 50 फैमिली रहती थी, आज की डेट में यहाँ पे 400 फैमिलीज रह रही हैं। अब आप सड़क देखेंगे, 60 फुट की रोड है, मेरे राइट हैंड साइड पार्क है, एक बार मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, वी जस्ट चेक द पार्क। तो ये पार्क है, टोटल अगर मैं बात करूँ तो ये 100 एकड़ की टाउनशिप है दोस्तों, 100 एकड़ की टाउनशिप है। और कई लोग, और इस प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ आपको 1 BHK भी मिल जाएगा हमारे से, प्लॉटिंग भी अवेलेबल है, स्टार्टेड फ्रॉम 100 स्क्वायर यार्ड से लेके आपको 250, 200 कई डिफरेंट वेरिएशंस में आपको प्लॉट मिल जाते हैं। और आप मेरे राइट हैंड साइड पार्क देख रहे हैं, ये पार्क है यहाँ पे। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि यहाँ पे आपको हमारे से विलास मिल जाएंगे, 1 BHK मिल जाएगा, 2 BHK मिल जाएगा, 3 BHK फ्लैट्स मिल जाएंगे और प्लॉट्स मिल जाएंगे, और रेट बहुत जेन्युइन रेट आपको मिलेगा। इस टाउनशिप की सबसे बड़ी बात यह है कि इस टाउनशिप के अंदर अगर 400 फैमिली रह रही है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे टेंटेटिव अगर आप देखेंगे तो अगर मैं पानी की बात करूँ, बिजली की बात करूँ, STP प्लांट की बात करूँ, तो ऑलरेडी है यहाँ पे, सब कुछ बना हुआ है। सामने आप डेवलपमेंट भी देख रहे हैं कि नए नए ये एरिया एक्वायर करते जा रहे हैं और उसके अंदर ये फ्लैट्स और अपना सारी एमिनिटीज को बनाते जा रहे हैं। अगर आप मेरे सामने देखेंगे तो आपको यहाँ पे मोस्टली सारी वायर्स इंटरनल मिलेंगे, आपको कोई भी तार ऊपर से जाती हुई नहीं नजर आ रही। लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आया था तो यहाँ पे एक पोल था जो कि हाई टेंशन का पोल था, बट इस बार वो पोल नहीं है, वो हाई टेंशन वायर यहाँ से हट गई है। तो दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको यहाँ पे अगर आप प्लॉट चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं, तो आप हमें फ़ोन करें, हम आपको दिलवाएंगे सारी चीज़ें। और सबसे अच्छी बात है कि पार्कें भी हैं, रोड्स भी अच्छी हैं, 30 फुट, 40 फुट, 60 फुट इंटरनल रोड्स हैं, कमर्शियल आपको अंदर ही मिल जाता है यहाँ पे सारा। आपको अगर मैं बात करूँ, अपने मेडिकल स्टोर्स हैं, डेली नीड्स की शॉप है, वो अंदर ही है, और हाईवे से हार्डली हम 250-300 मीटर दूर बैठे हैं। और यहाँ पे साइजेस आपको 500 भी मिलेंगे, 200, हर तरह के साइजेस आपको इस प्रोजेक्ट में मिल जाएंगे। एक मुझसे क्वेश्चंस लोग ये करते हैं कि हमें इस साइड थोड़ा दूर पड़ता है या हमें क्यों लेना चाहिए इस तरह प्लॉटिंग। तो उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है कि अगर आप करंटली अगर आप प्रॉपर्टी सर्च आउट कर रहे हो तो आप देखेंगे जो पटियाला चौक है, जो एयरपोर्ट चौक है, हम वहाँ से हार्डली 5 किलोमीटर थोड़ा आगे आते हैं। बट अगर आप एरो सिटी में रेट देखेंगे तो वहाँ आपका जो रेट है वो 80,000 से लेकर 1.25 लाख तक का रेट लोग डिमांड करते हैं वहाँ पे। तो हम उससे सिर्फ 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे बैठे हैं और यहाँ पे रेट जो आपको मिलेगा, दैट वुड बी, जो प्लॉटिंग हमारे पास अवेलेबल है, वो 34,000 पर स्क्वायर यार्ड से स्टार्ट है। और अगर मैं रिहाइश की बात करूँ, आप दोनों साइड देख सकते हैं, कोठियाँ बनी हुई हैं, फ्लैट्स बने हुए हैं, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, तो मतलब ऐसा नहीं है कि कोई आप मतलब उसमें जगह में रह रहे हो। और अगर मैं इस रोड की बात करूं, जो हमारा पटियाला चौक से लेके एरो सिटी से लेके बनूर तक का जो 200 फुट सड़क है, जो आपका पटियाला जरकपुर या चंडीगढ़ हाईवे है, तो इस तरफ वहां से लेके यहां तक सारे लैंड ऑक्यूपाइड, सब लैंड बिक चुके हैं, आपके बड़े बिल्डर्स यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन इसमें और उनमें थोड़ा सा फर्क ये रह जाता है कि ये बसाया आपका पूरा प्रोजेक्ट है और वहाँ पे अभी थोड़ा सा आना है, मतलब अभी प्री लॉन्च में प्रोजेक्ट चल रहे हैं और हमारे पास प्री लॉन्च के प्रोजेक्ट्स भी आपको मिल जाएंगे, तो उसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। और एक लोग टोल का बोलते हैं, तो आपको पता है टोल दोस्तों टेम्प्रेरी होता है, कुछ टाइम के बाद वो टोल वहाँ से हमेशा उठ जाता है। और दूसरा क्या है कि इस प्रोजेक्ट के साथ में से ही आपकी PR 12 जाएगी, जो कि एरो सिटी से निकलती हुई आपकी सीधा कनेक्ट करेगी तेपला। और एक फ्यूचर में अगर हम फ्यूचर की बात करें इस प्रोजेक्ट की, दोस्तों
पूरा जो मोहाली है इसने जो इंडस्ट्रियल जोन बनाया है, ये इंडस्ट्रियल जोन बेसिकली आपका बना है तेपला के अंदर, जहाँ पे ऑरेंज और रेड जोन की इंडस्ट्रीज आएंगी। तो डेफिनेटली बात है, अगर प्लॉटिंग कटिए इंडस्ट्रियल जोन आएगा तो वहाँ पे फैक्ट्रियाँ आएंगी, लोग आएंगे, तो लेबर आएगी, तो डेफिनेटली इस एरिया के रेट बढ़ेंगे। और अगर मैं इस प्रोजेक्ट की बात करूँ, ये प्रोजेक्ट स्टार्टेड जो हुआ था वो आपका हुआ था 16-17 हज़ार रुपये गज से, आज ये 34 हज़ार रुपये गज के रेट पे चल रहा है प्रोजेक्ट। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा प्रोजेक्ट है, बढ़िया प्रोजेक्ट है, और अब तो एक साल से हम इस पूरे प्रोजेक्ट को देख रहे हैं तो डेवलप भी है और लोग रह भी रहे हैं, 400 प्लस फैमिलीज हैं, मंदिर हो गया, पार्किंग पार्क्स हो गए, सब कुछ आपको इंटरनली मिलता है। सो आई होप कि दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा और इस में जो यूनिट्स हैं, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता था, अभी हमारे पास एक नए प्लॉट्स आए हैं जो कि 100 गज से लेके 125 गज तक हैं। उसमें क्या रहेगा कि आपने बुकिंग अमाउंट देना है 9 लाख, और उसके बाद जो बैलेंस पेमेंट है वो आपका जो 70% है वो आपका लोन हो जाता है, 6 महीने के बाद आपका वो लोन हो जाएगा। तो वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, तो अगर आप वो लेना चाहते हैं तो वो भी हमसे ले सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों आपको अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे, हमारे नंबर नीचे फ्लैश हो रहे हैं, तो जितनी जल्दी हो सके आप हमें कॉल करें और अपना यूनिट, अपने सपनों का घर या प्लॉट या फ्लैट या विला हमसे ले। सो तब तक के लिए दोस्तों हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।